नमस्ते दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, चाहे फिल्मों की बात की जाए चाहे बात की जाए एल्बम्स की, लकी निराला जी। गोरखपुर मंडल में अगर मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे सामने आता है, लकी निराला जी। तो आइए स्वागत करते हैं लकी निराला जी का। लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। लकी जी, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, फिल्मों में कैसे सफर हुआ, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखारविंद से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा मंडल गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं। जी जी जी। और जिला देवरिया का और क्षेत्र सलेमपुर और ग्राम मालीपुर के हम रहने वाले हैं। तो जब मैं छोटा था, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो हमारा शौक था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संगीत से लगाव बचपन में ही हो गया था। स्कूल में बालसभा होती थी, छोटे छोटे गाने मुकाने होते थे। हर 26 जनवरी 15 अगस्त को आज़ादी के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था बालसभा करके और रिहर्सल करके। तो हम सबसे ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट लेते थे, उन्हें रुचि रखते थे, सबसे पहले आगे कूद के हम आगे आ जाते थे। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि हम आज इन सारे बच्चों के सामने, मैं भी एक बच्चा हूँ और अपना जो मेरा अंदर से जो कलाकारी है वो उभर के आए जी, और कुछ तारीफें मिले और इसी फिर आगे हम मेहनत करेंगे उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जी। तो सबसे पहले हम गुरुजी कहे कि अरे बाबू कुछ गाना सुनाओ जी। तो हम क्या किए, बोले ठीक है सर, हम अपने हाथों से लिखा हुआ जी, मतलब कि एक गाना राष्ट्रीय गीत हमने तैयार किया है, तो सर वो गाना हो जाए, क्यों नहीं हो जाएगा जी, उसको सुना रहे हैं, अगर जो भी गलतियां हो तो कृपया माफ करिए जी। तो सर जी बोले कि ठीक है सुनाओ, तो हम सुनाए। उन नेताओं को याद करो जो देश को याद कराए, ओ मेरे देश के यारों, ओ मेरे देश के यारों, जिसने इस देश को है खून से सींचा, अपने हृदय में रखकर है प्यार से दीछा, जिसने इस देश को है खून से सींचा, अपने हृदय में रखकर है प्यार से दीछा। उन नेताओं को याद करो, उन वीरों की तुम याद करो, तुम ऐ मेरे देश के यारों, ऐ मेरे देश के यारों, ए हिंदू मुस्लिम यो, ए सिख ईसाई, ए है हमारे जम्मू के भाई भाई, आपस में ना तो लड़े ना या पस में ना झगड़े ना, इस देश को ख्याल से रखना, आए मेरे देश के बच्चों, आए मेरे देश के यारों, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। अब इस पर मेरे गुरुजी जी, पूरी माहौल शांत हो गया और सब बहुत बच्चे हल्ला करते थे जी, खुश हो गया, गाना इतना पूरी तालियां बजी जी, और गजब का हमारे अंदर ऊर्जा जगा जी जी। तो मैं सोच लिया कि लगता है मैं अगर मेहनत करूं, परिश्रम करूं, तो बहुत जल्द हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां से हमारे माँ बड़े बड़े स्टारों में पहुंच चुके हैं जी। लेकिन जब मैं इस पर सर्च किया तो ये बहुत मुश्किल पड़ा जी। फिर मैं सोचा कि पढ़ा चलिए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए, फिर उस स्कूल में एक और हमने गाना लिखा, थोड़ा इस स्कूल से देखें, सारे बच्चे हमको स्कूल में लगे करें, लकी बहुत अच्छा गाते हैं, लकी जी बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सर जी को उठाइए। तो हमारा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि डर लग रहा था, पूरा अपना डर रहा था, इतने बच्चों के सामने हम कैसे जी अपनी आवाज को खोलेंगे, मतलब काम चल रहा था जी।
तो हमारे जो दोस्त लोग थे, मित्र लोग थे, पूरा उजल भरे, जाकर गुरु जी से कह दिए, तो गुरु जी हमारे अनाउंस किए, तो अब मेरा रोक नहीं पाए अपने आपको जी भाई, बच्चों के सामने हमको अब छिप जाना बहुत वहाँ पर इंसल्टी दिख रही थी। हाँ क्यों नहीं, तो हम कहे कि ठीक है सर, हम आ रहे हैं गा रहे हैं, तो वहाँ पे हम फिर गाना चिड़िया हो चिड़िया हो चिड़िया नहीं मिलेगी, क्या बात, आजादी नहीं मिलेगा, चिड़िया हो चिड़िया हो चिड़िया नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगा, लहू बिना ये देश की, लहू बिना ये देश की ये आबादी नहीं मिलेगी, चिड़िया हो चिड़िया हो चिड़िया नहीं मिलेगी, ये आजादी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी पूरा फिर वहां भी हम ऊर्जा जगह लोग तारीफ करना चालू कर दिए, तो मैं सोचा कि चलो। तो सर ये तो स्कूल का दौर हुआ जब आप स्कूलों में गाना शुरू किए और आपका एक कला के प्रति एक जागरूकता आई आपके अंदर और एक प्रेम उमड़ा, लेकिन ये स्कूल के बाद फिर जवानी आई होगी, फिर आप प्रोफेशनल, फिर पैसा कमाना, ये सारी चीजें थी, गांव के माहौल में क्या दिक्कतें रही होंगी इससे रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप गाँव में आपका जीवन बीता है। गाँव में था कि मेरे पिताजी बहुत गरीब घराने से थे जी, और गेहूं चावल गांव से सुन सुन कर जी, और साइकिल पे लाद के बेचते थे जी, तो हमको भी साथ में लेके जाते थे कब जी, हमको जब उनके हम मेहनत देते थे तो हमको मैं रोक नहीं पाता था जी, तो हमें क्या करूं, मैं वो साइकिल पकड़ के और पिताजी को बोलता था कि पिताजी आप पीछे पीछे चलिए, मैं आपके पीछे मैं गला लेके जाऊँगा और मैं बाजार में बेच के और मैं आऊँगा। उसमें हम कम से कम नहीं तो 10 से 8-12 बरस के थे जी, तो हमको ये ज्ञान हुआ कि मेहनत क्या होती है जी। धीरे धीरे करके हम लोग चार भाई हैं, चारों भाई में बड़े भाई मेरे मुंबई रहते थे, तो बोले कि अब हम थोड़ा संगीत से मतलब हमको ज्यादा प्यार था, पढ़ाई में मैंने हम कम ध्यान देते थे जी, ज्यादा से ज्यादा जहाँ प्रोग्राम होता था जैसे जागरण हो जी, भक्ति गाना हो, हरे कृष्णा हरे रामा हो जी, तो हम वहाँ भाग जाते थे जी, काम धाम सब छोड़ के। उसके लिए पिताजी मेरे को बहुत डांटते थे, बहुत मारने पड़ते थे कि तुम क्यों इसमें जा रहे हो, बट बचपन से मेरे पीछे मेरे पिताजी और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि तू ये काम करो, मेरे पिताजी डांटते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है, नाच हो रहा है, तुम छोड़ के काम धाम चले जा रहे हो, पढ़ोगे कि ये करोगे। हम सोचे देखिए पढ़ाई तो लगभग करेंगे ही जी, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था जी, हम लोग चार भाई थे, तीन बहनें थी, उसमें पैसा उसमें बहुत 200 रुपया कमाते थे, तो उसमें पूरे परिवार का खर्चा पढ़ाई लिखाई का सब मेंटेन नहीं हो पाता जी, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत बहुत संघर्ष। फिर हम अब नहीं देखता था तो हम गांव में जो गारा माटी होता है जी भोजपुरी में उसको लोग गारा माटी कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो सर पे सीमेंट होना ईंटा होना दिन भर, हम जिस दिन छुट्टी होता था उस दिन सीमेंट और गारा माटी करके ईंटा ढोके और मजदूरी लाते थे, तो फिर अपनी पढ़ाई और माँ को जो माँ जो मानती थी देते थे, लाते थे जो भी जितना, उसमें ये 30 रुपया मिलता था, अच्छा उस समय 30 रुपया दिन भर का मिलता था, अब 30 रुपया उसमें बहुत बड़ा था। तो उसके बाद हम अब क्या किए, फिर पढ़ाई में हमको मन नहीं लगा, पिताजी से पैसा मांगे कि अब मैं काम करूँ कि पढ़ाई करूँ, पढ़ाई मेरी बेकार हो रही है, तो पिताजी बोले कि पैसा नहीं है, तुमको जो करना है जाओ कहीं भाग के जाके कमा के पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अच्छा मेरे पास उतना गरीबी से वसूल नहीं हो पा, बहुत बहुत कठिनाई थी। हाँ बहुत कठिनाई थी, बोले कि तुम्हारा बड़ा भाई मुंबई में रहता है जी, तुम एक काम करो वहीं चले जाओ, यहाँ तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, इधर कीर्तन गाओगे, इधर गाना गाओगे, इधर बजाना करोगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या किए, जब पिताजी के आज्ञा का पालन किया तो आप बॉम्बे आ गए, तो मुंबई आ गए। ये तो रही बॉम्बे की बात, बॉम्बे पहुंचे आप कैसे, लेकिन गांव का आपको क्या फायदा मिला या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ आपके करियर में? गांव में वो सुविधा देखे नहीं था जी, ना वो मतलब कि कोई मतलब सुविधा वाधा नहीं था, ना वो गरीबी थी जितना कि जो मैं चाहता था वो गाँव में नहीं कर पाऊंगा जी, इसलिए मुंबई आना पड़ा हमको। अच्छा, तो यहाँ पे हम मुंबई आए और टेम्पो रिक्शा जो ऑटो यहाँ चलता है वहाँ हमने उसका मैकेनिक का काम सीखना चालू किया। आपके गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का देखिए
गोरखपुर मंडल उत्तर प्रदेश देवरिया जिला और सलेमपुर क्षेत्र ग्राम मालिक और अरौली लाला काम करने वाले। अच्छा अच्छा, तो वहाँ डेवलपमेंट है, मतलब बिजली बिजली तो आती होगी? हाँ, बिजली बिजली तो इस समय मतलब कि आ रही है, पहले ऐसा समस्या नहीं था बिजली का, अब भरपूर बिजलियाँ मिलती हैं जी। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है गांव में जी, जी। अब विकास वास हुआ है गांव में तो जी, अब जैसे हुआ है गाँव में हम बहुत कम रहते हैं। तो आपको लगता है कि जो दिक्कत आपको हुई आजकल के जो नए लड़के उस गाँव में रह रहे हैं उनको वो दिक्कत नहीं हुई होगी? नहीं, वो दिक्कत आजकल के लड़कों को नहीं है जी। अब जितना हम लोग को दिक्कत हुआ था उसमें, अभी जिनके मतलब कि पिताजी अभी गरीब है उस है ना, तो वो उन घर में तो थोड़ा दिक्कत है जी। लेकिन जो कुछ कर चुके हैं पढ़ लिख के आगे जो मेहनत कर रहे हैं बाहर जाके, तो उनके घर में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर बम्बई में जैसे आप आए, फिर आपने काम शुरू किया, तो बम्बई में कैसे आपकी मदद की आगे बढ़ने में? अब मुंबई में हमारे लिए तो समझे, सबसे पहले हम ऑटो रिक्शा का मैकेनिक हमारे भैया लगा दिए जी, कि तुम पढ़े लिखोगे नहीं और गाना बजाना यहाँ भी आके करोगे, इससे अच्छा तुम जाओ ऑटो रिक्शा का मैकेनिक का काम सीखो। फिर भी हमारा उसमें मन नहीं लगता जी, जहाँ भी यहाँ मुंबई में भी प्रोग्राम होता तो मैं भाग भाग के देखने जाता। तो फिर भैया हमको मुंबई से गाँव भेज दिए। अच्छा, फिर दोबारा फिर गाँव भेज दिए, फिर गाँव वही काम, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको प्यार अपने संगीत से था जी। थोड़ा भी गाँव में कान में घुस जाता मैं भागता चला। फिर घर वाले हमको परेशान करते थे कि तुम ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये गलत है, ये मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, इतना दूर नहीं पहुंच पाओगे, इतना आसान नहीं है। तो फिर मैं गांव गया, तो गांव से हम मैं क्या किया कि अब फिर मेरे पिताजी मतलब परेशान हो गए, फिर भेज दिए फिर मुंबई आए। तो फिर आए तो हम यहाँ पे हमारे भैया रात में हमको मतलब कुछ सिखाने के लिए बोले, जाओ मैं तुमको भगा देता हूँ मुंबई में, कैसे जियोगे अकेले जियोगे तो पता चल जाए जी। तो फिर मैं भी जिद करके निकल गया। अच्छा, घर से बाहर निकल गए? हाँ, रूम में से बाहर। अच्छा जी, और पेंटिंग का काम सीखने चालू कर। अच्छा, जिसमें हमको 35 रुपया 8 घंटे का मिलता था। 8 घंटे का, 8 घंटे का 35 रुपया मिलता था। ये कितने पहले की बात होगी? ये है लगभग 2002 की बात है। 2002 जी, 2002 में मतलब 35 रुपया मिलता था 8 घंटे का जी। आज तो बहुत कुछ बड़ा है मतलब। तो फिर हम फिर संगीत हमको खींच लिया, तो फिर गांव खींच लिया जी। तो गांव हम गए तो फिर वहां भी अब तब तक मेरी मानो शादी लोग कर दिए। अच्छा। गांव में हमारे पिताजी शादी कर दिए मुंबई से बुला के और शादी कर दिए। तो शादी में जब बंद गए तो जिम्मेदारियां बढ़ गई जी। तो फिर मैं बोला कि मुंबई में मैं इतना कमा के उसमें मेरा रेट हो गया 120, कारीगर बन गया मैं जी। तो 120 हो गया, तो फिर मैं बोला 120 में परिवार खर्चा मैं चला नहीं पाऊंगा, मैं गाँव में ही इस बिजनेस को करता हूँ। तो गांव में हम पेंटिंग चालू कर दिए। अच्छा, अपने सलेमपुर देवरिया गोरखपुर और किसी तरह आसपास के जो भी, हाँ आसपास के जो भी क्षेत्र है करने लगे। तब तक ऐसे ही हम एक म्यूजिक जो एल्बमों का पटना में काम कराते थे साक्षी धनंजय करके, वो हमसे मिल गए पेंटिंग करते ही। अच्छा, उनके रूप में ही पेंटिंग कर रहे थे। अरे मतलब म्यूजिक ने आपको फिर से खींच लिया, फिर वहां किसी बहाने। तो वो बोले कि क्या करते हैं आप? बोले कि देखिए हम पेंटिंग ही करते हैं, कोई बहुत दिन गुजारे हैं इस लाइन के लिए, आप क्या काम करते हैं? तो हम पटना ले जाकर म्यूजिक एल्बम भोजपुरी बनाते हैं। अच्छा। और उसको मार्केट में बेचते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम मार्केटिंग का काम कर सकते हैं इसमें, हम भी कलाकार बचपन से जुड़े हैं और आप बहुत सही मिले हैं, तो एक बार हमको मैं आपसे मदद करना चाहूँ आपका। मैं फ्योकट में पूरा मधुरी ले लूंगा, हमको आप बस साथ दे दीजिए कि हम भी गाना कुछ गाना चाहते हैं और गाते हैं, बचपन से मेरा शौक है। क्या बात है, तो आप मेरा भी सपोर्ट करिएगा। दर्शक मेरे पास तो पूंजी नहीं है क्योंकि हमको परिवार में देखना है, पर आपका मार्केटिंग करेंगे उससे जो कमाई होगी उस हमको सिंगर में कहीं पटना उठना लेकर हमको थोड़ा गाना गवा दीजिए। तो मार्केट के बहाने आपको फिर से गाना आपको फिर घेर लिया गोरखपुर में। हाँ, गोरखपुर में। अच्छा, बातें आगे बढ़ाने से पहले बातों बातों में हम जानना चाहेंगे गोरखपुर देवरिया और सिवान जिस जगहों पे आपने काम किया है, वहाँ की खास बात क्या है? खाने में वहाँ क्या पसंद है लोगों को और आपको क्या खाना पसंद है? देखिए, खाने की बात तो सबसे ज्यादा रोटी दाल जी और चावल, यानी सादा खाना ज्यादा हम पसंद करते हैं। अच्छा, और हरा सब्जी, इसका मतलब हम लोग देहात में सबसे ज्यादा इसी का लोग यूज करते हैं जी, और इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब कि इसमें प्यार है दाल भात चावल। नहीं, हमने सुना उधर बाटी चोखा और इस तरह के। बाटी चोखा तो हमारे देवरिया में प्रॉपर, देवरिया सलीमपुर हमारे इधर बिहार बॉर्डर और सीमान छपरा, बाटी चोखा का ज्यादा मतलब मशहूर है। अच्छा, भोजपुरी। लेकिन आप ज्यादातर सादा खाना, ज्यादा सादा खाना का पसंद करते थे। मार्केटिंग में जब आप बाहर निकल जाते थे, घंटों बाहर रहते थे, तो आपको मार्केटिंग में लोग तो बाहर का बहुत खाते हैं, तो आप क्या बाहर का कुछ खाते थे, कुछ ऐसा? हाँ, बाहर का
घाटी छोला ही खाते थे ज्यादा से। अच्छा, घाटी छोला ही दुकान पे मिलता था। अच्छा अच्छा, और वही खाते थे। और हम सोचे उसमें कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, न गाड़ी है न घोड़ा है, साइकिल है। अच्छा, तो आप साइकिल से करते थे। हाँ, तो हम बोले भैया आप साइकिल का क्या देंगे, तो कहते हम कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आपको नाम करना है इस लाइन में, एल्बम में नाम जाना है, एल्बम द्वारा नाम करना है, तो नाम से आप मेहनत करिए। अच्छा, और अपने पास अपना पास समय निकाल के करना करिए, मैं आपको काम छोड़ा के नहीं करूँगा। जी, तो बोले हाँ ये तो बात सही है भैया, पहले पैसा देंगे ना। तो हम पास काम करते थे, जो भी समय उसमें सीमित जाता है साइकिल उठाते थे, और अपने क्षेत्र में साइकिल से हम मेमोरी में गाना लेकर उसमें चीप निकल गया था। चीप? अच्छा, हाँ चीप आ गया था उसमें, गाना भरते और जितने डाउनलोडर उन लोग के दुकान दुकान पे पहुंचाते थे। अच्छा, और जिसमें सबसे ज्यादा भक्ति गाना, भक्ति उसमें भक्ति ज्यादा निकलता था, जैसे माई मई के लिए चुनरिया राजा जी। तो सर हमारे दर्शकों के लिए कोई भक्ति गाना भी हो जाए, क्यों नहीं, क्यों नहीं जी। हम शुरू से भक्ति गानों का ही मार्केटिंग सबसे ज्यादा करते थे जी, जिसका ये गाना हमने मार्केट में किया और बहुत अच्छा लाइक हुआ, जिसका उसका थोड़ा सा आपको मुखड़ा सुना देते हैं। जरूर जरूर। अखिया से नोर गिरे हावे लरवाई, कैसे के करी माई तोहरो बिदाई। अखिया से नोर गिरे आवे लरवाई, कैसे के करी माई तोहरो बिदाई। जाके तो हमके छोड़ जेबू, कैसे रहबू हम गरिया। क्या बात, एक बहुत अच्छा मार्केटिंग चला जी। उसके बाद हमें दो चार कंपनियां आई जी, और बोली हमारी कंपनी का मार्केटिंग कैसी है, बहुत अच्छा सा आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग तो सर आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन गाना भी आपने बहुत बढ़िया गाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये मार्केटिंग का जो सिलसिला, देखिए ये आवाज को हमने उठाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब थी जी। तो हम सोचे कि अब ये पैसा आर्थिक हाई नहीं, तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा जी। इसी ऐसा हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते करते कंपनियां मिलेगी, कंपनियां मिलते मिलते फिर हम जब वहां पहुंचेंगे तो अपने आवाज को हमने बंद कर दिया कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे मार्केटिंग नाम होता चलेगा, तो फिर कोई ना कोई कंपनी वाला सोचेगा जरूर, जरूर। लकी भाई एक हम आपकी आवाज को भी दर्शाना चाहते हैं। सही बात, तो अब उनकी तो हम दर्शाएंगे। तो हमने आवाज को अपने रोक दिया, और अकेले अकेले खेत खलिहान जब घूमते थे तो अकेले ही गाते थे, और सबसे ज्यादा मतलब कि हम मोहम्मद रफी जी का गाना सबसे ज्यादा गाते थे, और सबसे उनका अच्छा गाना लगता था। तो आपके सबसे अच्छे सिंगर जो हैं बॉलीवुड में मोहम्मद रफी है। हाँ, तो सर मोहम्मद रफी का भी एक मुखड़ा हो जाए। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, क्यों नहीं सुनाएंगे, जरूर सुना रहे हैं आपको। देखिए उनका सबसे दोस्ती जो फिल्म थी जी, उसका गाना हम ज्यादा पसंद करते हैं। एक गाना मितवा मेरे चाहेंगे कि मार्केटिंग का आपने इतना काम किया, सिंगर आप नहीं है, तो क्या दिक्कतें आती हैं मार्केटिंग करते समय, जब आप एल्बम की करते हैं चाहे मूवीज की करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे जो आपने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो उस पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां रहती हैं? अब देखिए उसमें परेशानियां जाते हैं जब हम मार्केट में लेकर, तो जी जी कोई बोलता है कि अरे भाई आगे बढ़ो मेरे को नहीं चाहिए, फिर मैं कह रहा भैया क्या कर रहे हैं, अरे सुनिए इसको देखिए एक चीज क्या है जी, आपको ना मतलब कि जिस काम से आए इसको सुनिए, तो पहले माता जी का एल्बम है जी, इसको ध्यान से सुनिए, घर परिवार में बजा सकते हैं इसको, क्योंकि हमको
मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, और हम चाहते कि ये हमारे जो भक्ति गाना हो घर के कोना कोना माँ बहन सबके पास पहुंचे। आप लीजिए इसको डाउन रखिए और जो भी लोग आए उनके डालते जाइए, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं, इसका मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर मंडल के आसपास कई शहरों में आपने काम किया, जैसे गोरखपुर में किया, सीवान में किया और भी दो तीन जिलों में किया। हाँ, किस जिले में आपको आसानी होती है और किस जिले में ज्यादा कठिन होता है? सबसे ज्यादा देखिए हमको आसानी सीवान जिला। अच्छा, और हमारे देवरिया जिला में सबसे आसान होती है और गोरखपुर मंडल। अच्छा, लेकिन जब हम बलिया की तरफ जाते हैं, जौनपुर तरफ जाते हैं, तो वहाँ बहुत कठिनाइयाँ होती है, रह के कहीं पे रह के करना पड़ता है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसी क्योंकि सुविधा हमारे पास नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, और वहाँ पे भी लोग बहुत सारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसको मतलब कवर करते हैं, बहुत लोग नहीं उसको कवर करते हैं। अच्छा, मार्केट कौन सा अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा मार्केट? देखिए हमने जो भी किया सबसे अच्छा हमारे सीवान जिला, सीवान बिहार जी पड़ता है, देवरिया जिला, गोरखपुर मंडल सबसे ज्यादा हमारे मार्केटिंग को लोग लेते हैं और च्वाइस करते हैं। अच्छा, लकड़ी राला जी का ये है और हमसे जुड़ते हैं, उसके बाद जब हमारा नाम होता है तो देखिए सबसे पहले हमने अपनी उस मार्केटिंग से एक भी इनकम नहीं कमाया। अच्छा, भोजपुरी में कौन सा सिंगर ऐसा है जो आपको लगता है, क्योंकि आप एल्बम की भी मार्केटिंग करते हैं, किस गाने को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, किस सिंगर को भोजपुरी में? अब देखिए भोजपुरी में तो सबसे ज्यादा हमारे पवन सिंह जी को सबसे ज्यादा, और हमारे दिनेश लाल जी को जी, क्योंकि इन लोग की जो बाघ शब्द होते हैं और जो आवाजें होती हैं वो दिल से होती है जी, उनको ज्यादा लोग च्वाइस करते हैं। बाकी हमारे तो मार्केट में छोटे 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 से बहुत छोटे जिनका मार्केट हम करते थे बहुत लोग कलाकार हैं, लेकिन उनकी आवाज ही लोगों तक कहाँ पहुंच पाएगी जी, क्योंकि आर्थिक किसी से सब धुरे हुए हैं और उन लोगों के साथ अभी दो एल्बम तीन करते हैं तब तक उनके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ तक जी। अच्छा, हम उनको मार्केटिंग द्वारा पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, जिन लोग जो लोग मार्केट में हाँ जो नहीं पहुँचना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्में भी आप देखते ही होंगे, आपको अपने दिल में, क्योंकि आप भाई कलाकार भी हैं, गाना भी गाते हैं, कौन सी फिल्में पसंद है हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए, किस तरह की फिल्में? हिंदी में देखिए सबसे हमको पसंद होती है परिवार की फिल्म, पारिवारिक जो गरीबी से लेकर और अमीरी तक उसका दर्द होता है, और भाई बहन का प्यार जी, माँ बाप का प्यार जी, ये सबसे अच्छा हमको लगता है। अच्छा, ये केवल आपकी अपनी व्यक्तिगत जैसी करनी वैसी भरनी जी, और वो ऐसा प्यार कहाँ, हाँ हाँ जी, ऐसे ऐसे फिल्म हमको बहुत अच्छा पसंद होते हैं, और किसी के जीवन पर भी जो उसको बना के दिखाया जाता है लोगों का संदेश पहुंचा, वो सबसे अच्छा लगता है जी, कि इससे हमको और कुछ सीख मिलती है। तो सबसे बड़ी इंसानों को देखिए फिल्म और कहानियाँ और सब उसमें बुरा भला सब छपा हुआ जी, लेकिन इंसान को वहाँ अच्छाई ले लेना चाहिए और बुराई छोड़ देना चाहिए। सही, लेकिन कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि बुराइयाँ ले लेते हैं, अच्छाइयाँ छोड़ देते हैं। जो अच्छाई जो ले लेते हैं वो जरूर कुछ अच्छे कहने लगते हैं, दिखने लगते हैं, जो बुराई लेते हैं बुराई में दब जाते हैं। ये तो आपकी व्यक्तिगत पसंद है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके गांव के आसपास के लोग किस तरह की पिक्चर देखना पसंद करते हैं, भोजपुरी, हिंदी, और उनमें भी किन कलाकारों की किस तरह की पिक्चरें ज़्यादा पसंद करते हैं? अब ज़्यादा सो इसमें जो मार्केट में लोग हैं जी, जैसे हमारे खेसारी लाल जी हैं भोजपुरी में जी, दिनेश जी हैं और पवन सिंह जी हैं, अभी हाल ही में राज यश जी भी, यश कुमार भी आए जी, जो उनका भी लोग देखना पसंद करते हैं। इसमें मार्केट में यही लोग मतलब कि ज़्यादा। और हिंदी में आपको क्या? और हिंदी में तो हमारे अजय कुमार जी हैं जी, अक्षय कुमार जी हैं जी, जिनको प्रॉपर मैं कंपनी में काम कर चुका हूँ पेंटिंग लाइन से, अच्छी तो खाना जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनके कंपनी में हमने काम किया है जी, और उन लोग उनकी फिल्म उनकी और अच्छी लगती है जी। अब उसमें तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम लिया जाए जी जी जी। हाँ, तो ये आपके दिल की बातें हैं। तो चलिए, हमने मार्केटिंग की बात की, हमने गानों की बात की, आपकी निजी जिंदगी में आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपको मजबूत बनाता है और इस क्लाइंट के लिए आपको कहता है कि नहीं आप जाओ और करो आज की डेट में? अब आज की डेट में हमारे दो राइटर हैं जी, जो हमको हिम्मत देते हैं और कहते हैं लकी भाई हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन आप हम लोग मार्केट राइटर हैं, छोटे मोटे राइटर हैं, इतना नाम तो नहीं है, आप हम लोग के गाने के लिए मार्केटिंग किए हैं, काश हम लोग का नाम हो जाएगा तो आपका भी साथ में हो ही जाएगा,
जिसमें मनोज दिलवाला जी हैं और हमारे सुभाष यादव जी हैं जो हमारे ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं जी, और हमारे एक मनु लड़का है जो हमारा मतलब की समझिए कि एक असिस्टेंट बॉय ही है जी, हमारा मतलब सबसे ज्यादा साथ देता है और ये दोनों लोग हमको ज्यादा से ज्यादा इस लाइन में आने के लिए मदद दिए हैं सबसे ज्यादा और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश सबसे ज्यादा ये लोग ही करते हैं आर्थिक से लेकर और मेहनत से लेकर जो भी हो और वो लोग भेजते हैं कि यहाँ पर जाइए और आप पीछे मत हटिए हमको साथ है साथ में। लकी जी अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे बहुत से दर्शक हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं फिल्म मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं फिल्म प्रमोशन में काम करना चाहते हैं और आपने इतने जमीनी स्तर से इस काम को किया है तो उनके लिए कुछ सलाह उनके लिए कुछ ऐसी बातें आप बताइए जिससे उनको आसानी हो। अब उनके लिए आसानी तो देखिए इतना आसान तो नहीं है लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी लाइन हो कोई भी लाइन हो चाहे संगीत लाइन हो चाहे कोई बिजनेस लाइन हो कोई भी लाइन हो अगर दिल से और कर्तव्य से और लक्ष्य मानकर उसको किया जाए तो वो अवश्य पूरा हो जी। ये मैं सारे संदेश दे रहा हूँ जी अपने नौजवान जो भी इस लाइन से जुड़े हैं जी जी। तो लकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत रोचक आदमी हैं बातों का सिलसिला तो मन कर रहा है कि और आगे तक बढ़ाया जाए लेकिन समय की पाबंदी है आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लेकिन कुछ यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत जी चाहते हैं कि हमारी फाइडर कंपनी का भी हम तक कैसे पहुँचे थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जो भी आप कहना चाहें आप पूरी तरह से देखिए सबसे पहले तो अब हम गांव में मार्केटिंग करते थे और नाम होता था प्रोग्राम में भी जाते थे और अपने गांव में नाटक होता था उस नाटक में हम एक्टिंग भी करते थे और जिसमें बहुत सारे ने हमने एल्बम में एक्टिंग भी किया जी जी। जैसे TCC कंपनी से भी हमने एक्टिंग किया है और वेव कंपनी में भी हमने एक्टिंग किया है जो हम लोग कंपनियाँ लॉन्च की है तो हमको हौसला हो गया कि हमको अब पेंटिंग से लाइन छोड़कर हमारे जवान हमारे ग्रुप मंडल के लोग अब हमको एक्टर और मार्केटिंग के नाम से भरपूर जानने जी जरूर तो हमारे अंदर हौसला हुआ और हमारे राइटर जी मनोज दिलवाला और सुभाष यादव जी ने साथ दिया कि लकी भाई अब आपको लोग उस नजर से देख रहे हैं जी और आप एक फाइडर कंपनी जो मुंबई में है वहां पर जाइए और अगर वो चाहेंगे उनसे प्यार मोहब्बत लगाइए और उनके पास अपनी आर्थिक स्थिति और कमजोरी बताइए वो आपको कैसे उस मंजिल तक पहुंचा देंगे और साथ में सारे ग्रुप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सही बात तो हमको उन्होंने मुंबई भेजा और हम मुंबई आए तो सबसे पहले अब हमारे सौरभ भाई मिले जी उस सौरभ भाई हमारे सिद्धार्थ सौरभ बिसारिया हां सौरभ बिसारिया मिले और सिद्धार्थ जी के बारे में बताया हम तो मुंबई से जाने वाले थे जी लेकिन हमारे सौरभ भाई बताए नहीं लकी भाई रुक जाइए शायद आपकी मंजिल इसी रूम में है और यही पर है ये छोटा सा गोरेगांव के बगल में रूम था वो इंसान आने वाला है आज आ जाएगा जी पटना गया है तो मिल लीजिए उसके बाद ही जाइए जी। तो हम बोले अच्छा ठीक है भाई क्यों नहीं मिले जरूरी है जब इतना आत्मविश्वास है आप पर। तो सर हमारी तरफ से बातों का सिलसिला यही खत्म हुआ है लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे जी देखिए हम तो हिम्मत हार चुके थे जी कि अब यहाँ तक आने के बाद इतना नाम होने के बाद भी हमको जमीन नहीं मिली और जगह नहीं मिला है तो मैं क्या करूँ थक चुका था लेकिन क्या है ना जितना मैं थकता हूँ और जितना पीछे होते उतने कोई ना कोई सामने लक्ष्य हमको दिख जाता है जी जी। तो हमारे मनोज सुभाष भाई जो राइटर है गाँव में वो बोले कि अरे एक बार आप कोशिश करके मुंबई जाओ फिर कोई बुलाया है जी जी जरूर। तो हम बोले अच्छा आप कैसे जाऊं बहुत परेशानी है जाने का कुछ है नहीं जी जी। तो बोले मैं मदद कर रहा हूँ ना आप जाओ ना देखो कोई कंपनी किस्मत में मिल जाए तो जरूर पीछे मत हटिए। तो फिर हमको हिम्मत दिया हम मुंबई आए और मुंबई आए गोरे फिर हम इस लाइन से नहीं मतलब कि हम पेंटिंग लाइन से नहीं आए 10 बरिस के बाद हम फिर फिल्मी सिटी और इस संगीत के लिए फिर हम मुंबई आए। अच्छा पेंटिंग लाइन से नहीं आए जी हम अपनी कलाकारी लाइन से आए जी अपना मतलब कि पीछा भी छोड़ नहीं रहे हैं कला आपको पकड़े कला पकड़ा हुआ है जितना मैं छोड़ा कला पकड़ हुआ है। तो फिर आए तब तक हमको गोरेगांव स्टेशन उतरे और गोरेगांव के स्टेशन के ठीक बगल में एक छोटा सा हमको रूम बुलाया था जी उसमें हम गए और हमारे सौरभ भाई सौरभ बिसारिया मिले और बड़ा इज्जत किया हमारा और जिस जगह पर हम लोग आए थे उस जगह को हम बता नहीं सकते हैं लेकिन हमको जो मोहब्बत जो प्यार जो इज्जत हम दो लोग थे संजीत सिंह हमारा एक दोस्त जी, था जी, और हम लोग थे आए थे लेकिन जो हमको प्यार मोहब्बत उस रूम में छोटी सी रूम में मिला जी शायद मैं इतना दिन मुंबई भले 12 साल रह के छोड़ दिया था
लेकिन उससे बड़ी मिला कि आज मैं मुंबई में जाता था तो रहने का जगह नहीं मिलता था, और इस लाइन से आया तो हमको एक छोटा सा जगह मिला और हमने एक हफ्ता गुजारा। एक हफ्ता में फिर हम सोचे कि यहाँ पे आज टूट गया होगा, लेकिन सौरभ बिसारिया जी मिले और बोले नहीं नहीं आप गाँव मत जाइए। एक हमारे सिद्धार्थ जी आ गए हैं, गाँव गए हैं, ये पूरे रूम का मतलब कि वही जी मालिक है जी इसमें प्रॉपर, और उनसे एक बार मिल लीजिए क्योंकि उनको इस लाइन में बहुत ज्यादा मतलब की नॉलेज है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जी। पहचान है मानो जितने में है उतने में बहुत तो अच्छे हैं, और जहां तक आप चाहेंगे वहां तक हिम्मत अगर करेंगे तो पहुंचा देंगे जरूर जरूर। बोले ये बात है तो ठीक है भाई, एक रात और रुक लिया जाए और सिद्धार्थ जी को देख लिया जाए जी। तो सिद्धार्थ जी आए, आकर सुबह के आ गए थे, हम लोग थोड़ा बाहर घूमने गए थे और बाहर घूम घूम के जब आए शाम को तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी अच्छा। तो हम बोले कि तो हाथ देखते ही तुरंत रूम में घुसते कहेंगे थोड़ा सा दो मिनट बाद वो बैठे थे, तुरंत उन लोगों से गले मिलना चालू कर दे फटाफट। हमने वो प्यार देखा कि किसी अनजाना आदमी को इतना जल्दी प्यार मोहब्बत देना जी जी शायद ही मुंबई में कोई मिलता है, मुंबई में बहुत अनुभव किया है जी जी। तो बोले शायद लगता है जो आप दिल से मिल रहे हैं तो जरूर कुछ है। फिर अपने हम बोले कि आप कौन है क्या है आप अपने बारे में बताइए, फिर मैं अपने बारे में बताऊँ जी। तो उन्होंने अपनी जो भी मतलब कि अपने बचपन से लेकर जो भी आप तक वो कहानी बताए जी, और तो हम सोचे इतना छोटी उम्र में और इतना नॉलेज आप मुंबई में, अरे मतलब बहुत कठिन है अपनी बताए वो सिद्धार्थ जी तो हमने तो बहुत अभी कम किया है जी जी। तो आपने तो हम उम्र में बड़े बड़े हैं आपसे, लेकिन आपने तो बहुत ज्यादा अनुभव कर लिया है जिसकी अभी मैं एकदम, हम तो गाँव में मार्केटिंग करके किया है, जमीन पे चल किया है, लेकिन आपने तो यहाँ मुंबई में इतनी घस्ती दुनिया में आपने इतना बड़ा काम सीख के किया है। सही बात, आप आगे बढ़ेंगे लगता है जी, क्यों नहीं हम आपका साथ दें। तो देखिए बिना यूनिट के बिना साथ के कोई अकेला आदमी चल नहीं सकता। सही बात। तो हम आश्वासन दिए कि ठीक है हम तो कल चले जाएंगे, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत अगर खींच लिया तो फिर मुंबई आएंगे। एक लड़का है इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिए जी। तो संजीव जी का बहुत इन्होंने ध्यान दिया जी, 24 घंटा लड़का था इनके पास, 24 घंटा में इन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत दिया, वो प्यार मोहब्बत में ऊपर अब गिर गया जी। फिर हमने गांव में गए तो इनसे बातें बनना बंद कर दिया, फिर आशा हमने तोड़ दिया। लेकिन जब संजीव सिंह ने बात किया और लगा हमसे बता रहे हैं सिद्धार्थ जी बहुत आपने अनुभव किया है, उसको अनुभव कीजिए एक बार, उसको सोचे कि हमने रात को सोए और अनुभव किए इनकी जो भी बातें हुई थी। फिर मैंने सुबह फोन लगाया और इनके बातों को सुना और बोला चलिए मैं आओ मैं मुंबई आने वाला हूँ, और मैं आपके अब मैं पूरा प्रोजेक्ट को लेकर अपना फाइडर कंपनी अपना समझ कर और पूरे जो भी मार्केटिंग हम यहाँ उत्तर प्रदेश में मंडल में जो किए हैं बिहार मंडल में किए हैं इसको हम वहाँ पे बढ़ाएंगे और वहाँ के लोगों से जुड़ेंगे जी। और एक लक्ष्य मानकर इसको आगे लेके निकलेंगे, जब आपका हमारा दिल मिल गया है ईमानदारी से तो हम हिम्मत नहीं मारेंगे और आपके साथ मिलके एक काम करेंगे और एक टीम बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जरूर। जिन्हें सिद्धार्थ जी हमको फिर बुलाए मुंबई और बहुत इज्जत भाव दिए, बड़े भैया जैसे हमको माने जी, जब भी मैं आता हूँ तो जैसे लगता है कि उनके नजर में कोई बाहर आ गया, हमारे नजर में कोई जमी मिल गई जिस पर हम क्या बात क्या बात आगे निकल सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, बैकग्राउंड मिल गया हमको। ये हमारी मतलब कि लास्ट अब यहीं से अब आगे बढ़ने के सिद्धार्थ जी जरूर, और मनु श्रीवास्तव जी जी आपसे आगे लेता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी सौरभ बिसारिया जी का नाम लिया गया है, सौरभ बिसारिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फेडल फिल्म का नामकरण किया और उनका साथ हमेशा ही फेडल फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए रहता है। नाम आया था सिद्धार्थ रंजन जी का, सिद्धार्थ रंजन जी फेडल फिल्म के संस्थापक और व्यवस्थापक हैं और इस शो के डायरेक्टर भी हैं। तो सर हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला, हमें अपना समय दिया और बहुत सी ज्ञान की बातें की। तो दोस्तों ये थे लकी निराला जी, बहुत जल्द ही एक नए व्यक्तित्व के साथ हम आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।